यहाँ पर एक बार जरूर आइए यार, बहुत मजा आएगा। कैसे लग रहा है सुमन भाई आपको आके? ठीक है गुरराम जी, बहुत बढ़िया है यहाँ पर। हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे। मैं लोग सुन लेने सभी का फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों आप लोग को। आज मैं एक और नए वाटर फॉल दिखाने के लिए ले जाने वाला हूँ। यूट्यूब में पहला वीडियो होने वाला है इस वाटर फॉल का। तो गाइस वहाँ जाने के बाद पता चलेगा इस वाटर फॉल का क्या नाम है, हम लोगों को अभी तक नहीं पता। सफ़र शुरू हुआ है, बहुत दूर जाना है यार वीडियो में, तो बने रहिए। तो हाय ये चलते हैं माही ब्लॉग चैनल एसपीएन 07 वाटर फॉल देखने भाई। दोस्तों ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा घना जंगल। दोस्तों हम लोग अभी जीरम गांव के अड़मा पारा में पहुंच चुके हैं। यहाँ लगभग 9 घर हैं दोस्तों। यहाँ पर छोटे छोटे घर मन बने हुए हैं ऊपरी भाग में, जो आप लोगों को नज़र नहीं आएंगे कैमरे में, देख सकते हो। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत धान बोया गया है दोस्तों, ये देख सकते हो। इसी नदी के किनारे किनारे होते हुए हम लोगों को वाटरफॉल तक जाना होगा। सो गाइस वीडियो में बने रहे। इस रास्ते से होकर आगे जाना है भाई, ये देख सकते हो। अभी तो बहुत लंबा सफ़र तय करना है यार। यहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ियाँ बनी हुई है, ये देख सकते हो कितना चढ़ाव है। यहीं पर पूरा हड्डी फसली एक और है भैया। यहाँ पर बहुत बढ़िया जगह है, देख सकते हो पूरा पहाड़ को धान बो चुके हैं अपने किसान भाई लोगों का मेहनत देखिए। इतने दूर घने जंगलों में रहते हैं। ये देखिए भैया, इधर से फिर नीचे उतरो फिर ऊपर चढ़ो, ऐसे ही हो रहा है। यहाँ सब तरफ पहाड़ी पर नज़र आ रहा है, देख सकते हो। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जगह है भैया। हम लोग एक और नए वाटरफॉल की खोज में निकले हैं, हम लोग भी नहीं देखे हैं, तो गाइस वहाँ जाके आप हमको जरूर दिखाएंगे। इतना जंगल है भाई, देख ये देख सकते हैं इधर से आने का रास्ता। इधर आइए ना, पूरा रास्ता इतना घना जंगल है भाई, ये देख सकते हो। ये देख सकते हो आप लोग, सिंधु का पल है, मस्त लग रहा है। ये देखिए खूबसूरत सा जंगल है, और इन घने जंगलों के बीच में आप लोगों को इस टाइप के कीड़े नज़र आएंगे दोस्तों, इन्हें संभल कर चलना होगा दोस्तों। ये देख सकते हैं आप लोग फूल गोभी की तरह एक पत्थर नज़र देख सकते हो। ये चल कर रहे हैं यहाँ पे, दोस्तों आप लोग देख सकते हो कितना घना जंगल है, और इन घने जंगलों के बीच में इस तरह से फूल नज़र आना वाकई में दिल खुश हो जाता है दोस्तों। आप लोग देख सकते हो हम लोग अभी वाटरफॉल के पास पहुंच चुके हैं दोस्तों। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा वाटरफॉल, देखने में बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए भैया यहाँ पर खूबसूरत सा वाटरफॉल इस तरह से बन रहा है, आप लोग देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल। ऊपर से दिखा रहे हैं आप लोगों को, अभी हम लोग नीचे की ओर जाएंगे और दिखाएंगे यहाँ का। ये टोंकाल जीरम गांव के पास में स्थित है ये झरना, दिखने में बहुत ही खूबसूरत है भाई। ये आप लोग देख सकते हो बहुत ही सुंदर है यार। यहाँ पर आप लोग आइए और इस जगह का लुत्फ उठाइए दोस्तों। हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे की ओर, नीचे की ओर जाने पर वाटरफॉल का नज़ारा कुछ इस प्रकार सा दिखता है दोस्तों। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर तीन भागों में बटा हुआ है वाटरफॉल, देखने में बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है दोस्तों। ये वाटरफॉल को टाइगर वाटरफॉल के नाम से जाना जाएगा दोस्तों। यहाँ की लोकल भाषा गोंडी में इसको डोगुंडा कहा जाता है, डोगुंडा यानी टाइगर वाटरफॉल दोस्तों। एक बहुत ही खूबसूरत सा क्षेत्र चारों ओर घने जंगलों के बीच में स्थित ये नज़ारा देखने लायक बनता है दोस्तों। अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहेंगे तो आप लोगों को अगस्त से लेकर फरवरी महीने तक आ सकते हैं, क्योंकि फरवरी के बाद यहाँ पर पानी सूख जाने के कारण आप लोगों को वाटरफॉल का नज़ारा देखने को नहीं मिल सकता है दोस्तों। आप लोग भी कभी अगर आना होगा तो यहाँ पर अगस्त से लेकर फरवरी महीने के बीच में आ सकते हो। बहुत ही खूबसूरत जगह है और देखने में भी बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। यहाँ पर आप लोग आइए और इंजॉय कीजिए दोस्तों। एडन वाटरफॉल टाइगर वाटरफॉल के नाम से जाना जाएगा दोस्तों। यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे देखने लायक है।
हाँ दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? यहाँ पर एक बार जरूर आइए यार, बहुत मजा आएगा। क्या खूबसूरत नजारा है भाई, यहाँ आने के बाद ऐसे ही मजा आ रहा है। कैसे लग रहा है? हाँ, क्या जोरदार नजारा है यार यहाँ पर। कैसे लग रहा है सुमन भाई, आप आके? ठीक है गुरराम जी, बहुत बढ़िया है यहाँ पर। सभी को आना चाहिए ना, देखने को बहुत मजा। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आप लोगों का अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना यार। बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो है, बहुत बांस की पेड़ है, ये आप देख सकते हो, बहुत खूबसूरत है दोस्तों। ट्रेकिंग की शौकिंग है तो यहाँ पर जरूर आ सकते हैं। अगर आप ट्रेकिंग करना नहीं चाहते हैं ना तो इस जगह पर बिल्कुल भी ना आइए। बहुत ही लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा आप लोगों को, लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर पैदल चल के आना पड़ेगा और इस जगह को देखने को मिल सकता है। सो गाइस, आप लोग यहाँ आइए, मनोरंजन कीजिए और पिकनिक भी मनाइए। बहुत ही खूबसूरत चारों ओर पहाड़ियों से घिरा यह खूबसूरत सा वाटरफॉल जीरम गांव के हड़मापारा में देखने को मिल सकता है। हड़मापारा से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर और जाना पड़ेगा, तब जाके ये वाटरफॉल आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों आप लोग यहाँ पर ज़रूर आइए और इन्जॉय कीजिए। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें यार। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, काफ़ी आने वाले वीडियो जब को जल्दी से मिल सके दोस्तों। और आप लोग चैनल में बने रहिए यार, बहुत मज़ा आएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।